और अब बात करते हैं 15 पुलिस थानों के नए भवन के लोकार्पण की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 पुलिस थानों के नए भवन का लोकार्पण और 9 पुलिस थानों का शुभारंभ किया। बीसी के जरिए हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पुलिस इस भावना के साथ काम करे कि हर हाल में पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। गहलोत ने कहा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने अनिवार्य FIR रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की। बलात्कार के प्रकरणों में साल 2017-18 में करीब 33% महिलाओं की FIR के लिए कोर्ट उनको जाना पड़ा। अब यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 16% रह गया। साल 2019 में महिला अत्याचारों के 34% प्रकरण पूरे देश में लंबित थे, जबकि राजस्थान में महिला अत्याचारों के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के कारण साल के अंत तक सिर्फ 9% प्रकरण लंबित थे। आज जब लोकार्पण हुआ है, अच्छे भवन बने हैं, उसका भी अपना एक फर्क पड़ता है काम करने के अंदर। बैठने की जगह नहीं, अभी CS कह रहे थे कहाँ बिठाएं, ये समस्या भी आती है। अब स्वागत कक्ष बन रहे हैं, इसी प्रकार से जो डी साहब ने कहा 194 वर्ग किलोमीटर के इलाके में जो एरिया होता है एक थाने के अंदर जो वो ध्यान रखते हैं, और राजस्थान में 383 वर्ग किलोमीटर का एवरेज है। तो आप सोच सकते हो कि वर्किंग में, एफिशिएंसी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मुझे खुशी है कि सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे हम लोग भी राष्ट्रीय औसत के बराबर आ जाएंगे, जिससे कि और ज़्यादा मजबूती के साथ में जो आपको ड्यूटी दी गई है, जो आप बड़ी जिम्मेवारी के साथ निभा रहे हैं, उनको और ज़्यादा मजबूती से आप लोग काम कर पाएंगे। इस बजट में हमने जो थाने दिए थे 9-14 थाने दिए थे और बजट भी दिया है, तो आप निश्चिंत मांगे चलें कि राजस्थान में मैं खुद महसूस करता हूं कि मॉडर्नाइजेशन के बजट आते थे कोई जमाने के अंदर, केंद्र से आते थे, वो टाइम मेरे याद है 20 साल पहले, और उनका अपना एक बड़ा महत्व होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार एवं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज 15 पुलिस थानों के नवीन भवनों का आपने अपने कर कमलों से अर्पण किया, और साथ ही में 9 नए नवसृजित पुलिस थानों का शुभारंभ भी किया। हम सभी जानते हैं कि पिछले विगत 2-2.5 सालों में राज्य सरकार द्वारा पुलिस एवं पुलिस प्रशासन के सशक्तिकरण, आधुनिकीकरण एवं उनके निर्बाध गति से जनता की सेवा करने के लिए जो विभिन्न अवसर मौके हैं उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।